Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of basic concepts in set theory, that is functions or mappings, range or domain of a function, functions as set of ordered pairs, image of a subset, equality of two functions, diagrammatic representation of a function, and transformations and operators. Let's get started. Now let's understand what is a function or a map. Given any two sets A and B, a function or a mapping F is a rule or a correspondence which associates to each element of a unique element in B. बेसिकली जो ये फंक्शन होता है, दो सेट्स दे रखे हैं हमें, ए और बी. और फंक्शन हम तब क्या कहेंगे कि फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी या ए टू बी. और फंक्शन ऐसे भी लिखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सेट पड़ा है ए और ये एक सेट पड़ा है बी, और यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन है f, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं इसके, मैंने नेम नहीं किए, यहाँ पे b के एलिमेंट्स पड़े हैं. तो जैसे कि एक एलिमेंट है ये a का, हम इसको असाइन कर रहे हैं, दूसरा भी हम उसी को असाइन कर रहे हैं, बट हम इसी को इससे किसी और से असाइन नहीं कर सकते क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी को असाइन हो रहे हैं. नहीं तो अगर ये ऐसे होगा, ये फंक्शन इसलिए नहीं क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसको भी असाइन हो रहा है और ये वाला एलिमेंट इसके साथ भी असाइन हो रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है. ये इसको असाइन हो रहा है, ये इसको असाइन हो रहा है, ये इसको असाइन हो रहा है, ये इसको असाइन हो रहा है. ए के सारे एलिमेंट्स बी के किसी एलिमेंट को असाइन होने चाहिए, चाहे बी में कुछ एलिमेंट्स रह जाए कोई बात नहीं, तो हम उसको कहेंगे फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी. अब जो हमारे पास अगर फंक्शन ए टू बी है, तो हम ए को क्या कहते हैं, डोमेन, और बी को क्या कहते हैं, हम कोडोमेन. अब अगर हमारे पास f ऑफ a इक्वल टू b दे रखा है फॉर a बिलोंगिंग टू a एंड b बिलोंगिंग टू b, तो b क्या हुई, इमेज ऑफ a अंडर f, एंड a इज प्री इमेज ऑफ b अंडर F. अब उस सारे सेट को क्या कहते हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास इमेजेस हों, उसको कहते हैं इमेज सेट या रेंज सेट भी बोलते हैं हम. वो क्या होगा हमारे पास F ऑफ A सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A. जो भी A के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो इमेज आ रही है उसको हमने एक सेट में कलेक्ट कर लिया, और वो जो सेट होगा वो हमारा सब हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, जो कि हमारे पास बी. क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं ना बी के जो रेंज में नहीं आ रहे, क्योंकि उससे हमारी फंक्शन की डेफिनेशन तो वही रहेगी कि टू ईच एलिमेंट ऑफ ए
The unique element is assigned in B. अब हम समझ इमेज ऑफ अ सबसेट क्या होता है. अगर f हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और x हमारा सबसेट है a का और हम एक और सेट डिफाइन कर रहे हैं y इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू b एंड f ऑफ x इज इक्वल टू y फॉर सम x बिलोंगिंग टू x. तो हम क्या कहेंगे इमेज ऑफ x अंडर f इज y. हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. लेट a इज इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू x y z एंड f ऑफ a इज इक्वल टू x, f ऑफ a इज इक्वल टू y, f ऑफ b इज इक्वल टू y एंड f ऑफ c इज इक्वल टू z. अब a, b, c हर एक को एक एलिमेंट असाइन तो कर दिया इस फंक्शन ने, बट हम देखते हैं फंक्शन है भी कि नहीं, क्योंकि हर एलिमेंट असाइन तो कर दिया बट यूनिकली असाइनमेंट नहीं हुई, क्योंकि a को हमने x के साथ भी एसोसिएट कर दिया और a को हमने y के साथ भी एसोसिएट कर दिया. हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन. अब हम फंक्शंस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं क्या होता है. ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट एफ ऑफ ए क्रॉस बी इफ दीज टू कंडीशंस होल्ड. First is for all a belonging to a, ab belongs to f. For some b belonging to b. First इससे हम क्या make sure कर रहे हैं कि हर एक element a का उसको हम एक b की value assign कर रहे हैं. अब second property से हम uniqueness of an इमेज डिसाइड करते हैं. फॉर ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी डैश बिलोंगिंग टू एफ वेयर ए बिलोंग्स टू ए देन बी इज इक्वल टू बी डैश. इससे हमने ये बता दिया कि वो जो इमेज होएगी वो यूनिक होएगी. और फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने ये बता दिया हर एक एलिमेंट ए को हमने बाय रूल एक बी का एलिमेंट असाइन कर दिया, इसलिए वी कैन राइट फंक्शंस एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं. ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी और फंक्शन ले लेते हैं हम ए कॉमा बी b comma a c comma c and d comma a. basically f of a is equal to b, f of b is equal to a, f of c is equal to c, f of d is equal to a. अब इस फंक्शन में हर एक एलिमेंट a का a b c d को हमने एक इमेज असाइन कर दी b में. अब ये देखते हैं वो यूनिक है कि नहीं. a की इमेज b ही है और कहीं और ए की कोई और इमेज नहीं दे रखी. सिमिलरली बी की इमेज ए है और कहीं और बी की इमेज ए नहीं दे रखी. एंड सिमिलर इज द केस विद सी एंड डी. देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन.
अब हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और जो एफ है उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं, ए कॉमा ए स्क्वायर वेयर ए इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल ए. अब एफ इज नॉट अ फंक्शन, क्यों? क्योंकि 3 की इमेज बी में एग्जिस्ट करती ही नहीं, क्योंकि अगर हम 3 देखें तो उसकी क्या आनी चाहिए, 9, विच डज नॉट बिलोंग्स इन एफ एज 9 डज नॉट बिलोंग्स टू बी. और इसमें ये भी आना चाहिए कि ए स्क्वायर शुड बिलोंग टू बी, इसलिए एफ इज नॉट अ फंक्शन. अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑपरेटर्स क्या होता है. इफ एफ इज फ्रॉम ए टू ए वेयर ए इज एनी सेट, लिया एक फंक्शन फ्रॉम एनी सेट ए टू द सेट ए इट्सेल्फ है, जब हमारे डोमेन और कोडोमेन सेम हो और वो फंक्शन हो, फॉर ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन वी से दैट एफ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन और एन ऑपरेटर ऑन ए. अब हम देखते हैं इक्वालिटी of two functions, that is two functions f and g are equal if f and g are functions from a to b where a and b are any two sets, non-empty sets, and f of x is equal to g of x for all x belonging to A, then we say two functions are equal. Basically, वो जो दो functions हैं they should agree on each domain. That is, उसकी जो values हैं A के elements पे वो same होनी चाहिए. अगर हमारे पास f of 1 2 है तो g of 1 भी 2 ही होना चाहिए, तब हम दो फंक्शंस को इक्वल कहेंगे. अब अगर हमें ये बताना हो कि दो फंक्शंस इक्वल नहीं हैं, तो हमें बस कोई भी एक ऐसा डोमेन का एलिमेंट एग्जिस्ट करवा देंगे, सपोज ए बिलोंग्स टू ए, सच दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ ए. अनइक्वल इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग, कोई भी एक A such that f of A is not equal to g of A, then we say f is not equal to g.